नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी या आईएएस का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात किए थे 2011 से शुरू किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट देखा था आईएएस का। इसमें बात करेंगे हम लोग 2015 के बारे में, सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट 2015 का। इससे पहले याद रखिए आप लोग कि आप के जितने भी लेक्चर आईएएस से संबंधित बनते जा रहे हैं वो सभी आईएएस प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 2015 का आईएएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। याद रखिए, टेस्ट बुकलेट सीरीज ए है ये। 2 घंटे का टाइम मिलता है इसके लिए, 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई? तो याद रखना है, देश के वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक, क्या होगा ए का? सी। क्वेश्चन नंबर 2, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें, इसके केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42 कर दिया गया। दूसरा, इसके विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिश की गई है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना, इसमें केवल एक सही होगा, दूसरे का ए ऑप्शन सही होगा। इसमें केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलने वाले हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है? तो याद रखना है आपको, ब्रिक्स। बी ऑप्शन सही है, 3 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी का क्या सूचित करती है? पहला है आर्थिक वृद्धि दर में धीमी होना, दूसरा है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण, तीसरा होगा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इस 4 का होगा ए, केवल एक। 4 का क्या होगा? केवल एक, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। क्वेश्चन नंबर 5, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो याद रखना है आपका, 5 का होगा बी, अंतरउष कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विलय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है? तो आपको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, 6 का डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्देशक तथ्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इसमें, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है, इन तथ्यों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो 7 का सी होगा, दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जा गया है? याद रखना, विद्युत उत्पादन को। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पिलोमान फ्लेटिंग वनस्पति से युक्त अनूप सर्फ होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? याद रखिए, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क। 9 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, एनआईएफ
केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा है NIF, अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। 10 में होगा केवल एक, 10 में ए। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था, स्वायत्त संस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। पहला कथन है, नाइट्रोजन यौगिककरण सूक्ष्म जीवों फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में पिचुरोधवन पॉलीफ्रेशन में हो सकता है। दूसरा है, मिट्टी में अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा है, भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 11 का होगा सी, 2 और 3 सही है इसमें, ठीक है। 11 का क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटपन स्पीसीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा सिटीज सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरा है, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तीसरा, सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधायकों का स्थान नहीं लेता है। नीचे दिए कूट का पेपर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें होगा 12 में बी, 2 और 3 कथन इसमें सही हैं, ठीक है, 2 और 3 कथन सही हैं 12 में 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो आपको याद रखना 13 का होगा ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। क्वेश्चन नंबर 14, विषुवतीय पीति धाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किस से होती है। तो याद रखना 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये तीर्थ स्थान है, ये अवस्थिति है उनकी, उपयुक्त में से कौन सही सम्मिलित है। तो इसमें 15 में होगा ए, केवल एक सही है, श्री सैलम ये नल्ला मला पहाड़ियों में, ओकारेश्वर सतमाला पहाड़ी ये गलत है, और इसमें तीसरा भी गलत है, केवल एक सही है, ठीक है, ए ऑप्शन है 15 का, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, रोलक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, रोलक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा है, रोलक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरोध हुए प्रदर्शन रोलक्ट सत्याग्रह के साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 16 का होगा बी, 1 और 2 सही है इसमें, रोलेक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और दूसरा कौन सा है, रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से किन का इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है? तो याद रखना है, गिनी, सेरा लियोन, लाइबेरिया। बी ऑप्शन सही है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? पहला है, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा है, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। तीसरा है, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होता है। 18 में होगा हमारा ए। इसमें एक कथन और दो कथन सही है, ठीक है, 18 का ए है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पाए जाने वाली वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 19 में सी ऑप्शन सही है, मतलब कथन एक, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। और तीसरा, इसे वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, ठीक है। 19 का क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर सी दत्त, तीनों थे, ठीक है, इसका डी ऑप्शन, 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो याद रखिए, विश्व बैंक, 21 डी। क्वेश्चन नंबर 22, जो भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकद अनुपात स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। 22 का सी है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। दूसरा है, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 23 में होगा सी, एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो याद रखिए, 24 में होगा हमारा बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो याद रखिए, गंगा की डॉल्फिन, सी ऑप्शन है 25 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? इनने ब्रिटिश काल के बहिष्कार और करों के अवचन की वकालत की, या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी? इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो याद रखिए, उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें डी ऑप्शन होगा, 26 में क्या होगा? डी, मतलब कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति नहीं है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 27 का हमारा होगा बी, एक और दो, ठीक है, एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 28,
भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो याद रखिए 28 में होगा हमारा, बी केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को, 28 बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? सेम बीरो, सी ऑप्शन सही है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर में घेरे वाला न्यूट्रॉन संसूचक है। दूसरा है, यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है। तीसरा है, यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 30 का होगा डी, यानी कि तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द प्रयास समाचारों में किसके मामले में संदर्भ में आते हैं? तो याद रखिए 31 का हमारा होगा सी, विश्व व्यापार संगठन, 31 का सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 32, तो इसमें यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है, ये सही है। उन एनएफसी उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभी कल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं, ये सही नहीं है, गलत है। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण का उपयोग कर सकता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 32 का है सी, 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो आपको बता देना है पूर्व, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, क्या होगा 33 का वी। क्वेश्चन नंबर 34, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो आपको बता देना है रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान राज्य, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 35 का होगा हमारा बी, केवल दो सही है, 35 का दो, जम्मू कश्मीर, जम्मू, ठीक है। बी का क्या होगा उसका, 35 का क्या होगा बी, केवल दो सही है इसमें कथन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पित्तार, उपयुक्त में से कौन गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखना 36 का होगा डी, 36 का क्या होगा डी, 2 और 3, इंद्रावती और प्रणहिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो याद रखना 37 से उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंगो वन, सदाफरणी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या होगा डी ऑप्शन 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से? अवंती, गंधार, कोसल, मगध, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है।
तो 39 में हमारा होगा डी। 39 में क्या होगा? डी, मगध और कौशल, मगध कौशल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रित करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध है? तो याद रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या होगा 40 का? बी। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बाबर के भारत में आने में के फलस्वरूप, पहला इसमें उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, दूसरा इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराव और गुम्बद बनने शुरू हुए, तीसरा इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए पुट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 41 में हमारा होगा बी। 41 में क्या होगा? बी। याद रखिए, 41 में बी, केवल 3। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो याद रखिए, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन है, याद रखना 42 का। क्वेश्चन नंबर 43, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है? तो ये आपको बता देना, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ए ऑप्शन सही है 43 का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे, दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 44 में डी होगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो याद रखना, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। सी ऑप्शन सही है 45 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो याद रखिए, सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की? उस देवता की प्रतिनिधित्व के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो याद रखना, इसमें 47 में होगा हरिहर प्रथम। 47 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, 48 का बी होगा, केवल दो सही है। इसमें केवल दो सही है, एक गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम एनी बेसेंट थी। ठीक है, महिला अध्यक्ष। बात करते हैं 49, हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा, ऐसे UNEP और UECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 49 में हमारा होगा ए ऑप्शन, केवल एक। यह विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने के आशय से बनी है। ए ऑप्शन सही है, 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया है? तो याद रखना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सी ऑप्शन सही है,
50 का। क्वेश्चन नंबर 51, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। दूसरा, इसमें भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया गया। तीसरा, इसमें ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध है। यह नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 51 का हमारा होगा ए ऑप्शन, केवल एक सही है इसमें, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो याद रखना है नामदफा नेशनल पार्क, 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो याद रखना विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो याद रखना है 54 में होगा बी, धौली स्थित शैल के हाथी का, 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? पहला, यह अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा, भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना। तीसरा, इसमें सामंत और उनके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 55 का होगा बी, केवल 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपको बता देना है विश्व बैंक, 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दूसरा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, तीसरा है पूर्व एशिया शिखर सम्मिट। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 57 में बी होगा, केवल 2, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ क्या होगा, इसमें क्या होगा 57 में बी, यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया सम्मिट। इसमें 3 होगा, ठीक है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मिट। याद रखिए मेरी तो हर तरफ कोशिश रहती है कि हर तरह से कि आपको सही आंसर बताया जाए, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाती है मुझसे भी तो याद रखिए उसे कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख दीजिए, जिससे दूसरा पढ़े तो उसे भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही है, 57 का बी है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसका आयात की अपेक्षा होती है? तो 58 में सी होगा, कोक कारी कोकिंग कोयला। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? तो याद रखना है अनुसूचित जनजातियों के लिए, हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, 59 का ए। क्वेश्चन नंबर साठ, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संसद निधि से नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 60 का होगा सी, 60 का क्या होगा सी।
यानी कि दूसरा सही होगा। भारत की संसद के प्राधिकरण कि बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो याद रखना आपको 61 में होगा डी, भारत का उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग क्षमता के विकास के लिए शुरू किया गया। उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 62 में हमारा होगा बी, केवल दो कथन सही है। ठीक है, कमांड क्षेत्र का विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग क्षमता के विकास के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64। मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन से देश प्रतिभागी नहीं है? पूछ रहा है प्रतिभागी नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा 64 में होगा सी। 64 में क्या होगा? सी। 1 और 3 देश सदस्य नहीं है, मतलब ये होगा कि बांग्लादेश शामिल नहीं है और चीन शामिल नहीं है, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। ठीक है, 1, 3 नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65। समाचारों में प्रयाग आने वाला बासल 3 समझौता या सरल शब्दों में बासल 3 है, तो याद रखें 65 का होगा हमारा। बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने की सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास। बी ऑप्शन सही है 65 का। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। दूसरा है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सैंतिया पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 66 का होगा बी, केवल दो, इसमें केवल दो सही होगा। क्या होगा? केवल दो। क्वेश्चन नंबर 66 का है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिपिलाव की दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई। दूसरा है एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 67 में डी, ना तो एक ना ही दो, कोई इसमें कथन सही नहीं है। ठीक है, 67 का डी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? इसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल का उद्भव हुआ। तो याद रखिए स्वदेशी आंदोलन, ये ऑप्शन सही है, 68 का ए है। क्वेश्चन नंबर 69। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना 69 का ए, मेघालय में। ठीक है, क्या होगा? 69 का ए। क्वेश्चन नंबर 70।
महासागरों और समुद्रों में, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं होते हैं? पहला सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, तीसरा पृथ्वी का केंद्रीय बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 70 में होगा हमारा डी, यानी कि तीनों तीनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस कार्यकलापों के में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? पहला पहला इसमें फसल की उपज का आकलन, दूसरा भौमजल संसाधनों का स्थान निर्धारण, तीसरा है खनिज का अन्वेषण, चौथा है दूर संचार, पांचवा है यातायात अध्ययन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 71 में क्या होगा हमारा ए, 1 2 3, 1 2 3। फसल की उपज का आकलन, दूसरा है जल भौमजल संसाधनों का स्थान निर्धारण, और तीसरा खनिज का अन्वेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का ए है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में किन में उष्णकटिबंधीय आद सदा पर्णी वन होते हैं? तो इसमें 72 में होगा हमारा सी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 72 में क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 73। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द एंड आर्क किसका नाम है? तो याद रखना यह आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी बैटरी। ठीक है, क्या है 73 का डी। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा है यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय विशेष वैज्ञानिक तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा है यह देश की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 74 में सी होगा। 74 में क्या होगा सी, यानी कि 1 और 3 इसमें सही है, 1 सही है और 3 सही है इसमें। ठीक है, 74 का सी है। क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? क्लासिकल लैंग्वेज का, याद रखना 75 का ये उड़िया, 75 का ए है। क्वेश्चन नंबर 76। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, दूसरा है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है, तीसरा यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों का पहचान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 76 में हमारा होगा सी, 1 और 3 सही है इसमें। ठीक है, 76 का सी है। क्वेश्चन नंबर 77। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो याद रखना 77 का होगा बी, जॉर्डन, 77 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। भारत निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो 78 में ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 79। क्या समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच निम्नलिखित में से क्या है? तो
तो याद रखिए 79 का सी होगा। महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्य सूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम। क्वेश्चन नंबर 80। हर दिन कामोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती हैं। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों का गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उद्धरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखना 80 का होगा बी, विस्वती है। 80 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिए 81 में हमारा बी होगा। केवल 2 सही है। कौन सा पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा? पिछले दशकों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। गलत है, दूसरा सही है। केवल इसमें 81 का बी है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो याद रखना है 82 में ना तो 1 सही है और ना है 2 सही है। 82 में क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन। 82 में डी है। ठीक है, 83 क्या क्या है? 83 क्वेश्चन, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। याद रखिए मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य दिए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारत की संपूर्ण संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा इसी मूल कर्तव्य में शामिल है। फिर 84 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो याद रखिए 84 में सी होगा। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। सी ऑप्शन सही है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला है विकास में जन भागीदारी, दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तीसरा है वित्तीय संग्रहण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 85 में हमारा होगा सी ऑप्शन। 85 में क्या होगा? सी, यानी कि एक विकास में भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 85 में सी। क्वेश्चन नंबर 86 अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। बैंक दर, खुला बाजार कार्रवाई, लोक ऋण, तीसरा लोक राजस्व। उपयुक्त में से कौन मौद्रिक नीति के घटक हैं? तो 86 में होगा सी, 1 और 2, यानी कि बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई। 86 का 1 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 87। भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 87 में भी सी होगा। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। 87 सी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपयुक्त में से कौन से परमाणु शर्तों के अपसार विषयक संधि ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलीफ्रेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः परमाणु अपसार संधि के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं? याद रखना 88 में होगा ए, केवल 1 और 2, चीन और फ्रांस। 88 में चीन और फ्रांस है, मतलब क्या है? ये ऑप्शन है 88 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें
स्थापित है? तो याद रखना राज्य के की नीति के निर्देशक तत्व में। नवासी का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 90, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो याद रखिए पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, प्रगति 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, मंत्रिपरिषद लोकसभा की पीति उत्तरदायी है? 91 का डी। क्वेश्चन नंबर 92, H1N1 विषाणु का प्रयास समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख है? तो याद रखना स्वाइन फ्लू। क्वेश्चन नंबर 92 का डी। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कथन, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल एनोकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। दूसरा, इस अपघटन के अत्यंत उत्पाद हेतु केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 93 में डी होगा, ना तो एक ना ही दो, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो याद रखिए डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की। सी ऑप्शन सही है, हार्ड करेंसीज। 94 का सी। क्वेश्चन नंबर 95, फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से संबद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो फ्यूल सेल उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन होता है। दूसरा, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। दूसरा, फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 95 का ए होगा, केवल एक कथन सही है इसमें, याद रखिए 95 का केवल एक कथन सही है। क्या केवल एक है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी? 96 का ए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो याद रखिए 97 का बी, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा बहन करने वाले योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। 97 का बी। 98, प्रतिवर्ष नियंत्रण घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती हैं? राजस्व व्यय में कमी लाना, नई कल्याणकारी योजना का आरंभ करना, उपदानों का वियुक्तिकरण करना, उद्योगों का विस्तार करना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें एक ए ऑप्शन सही है, राजस्व व्यय में कमी करना, और तीसरा है उपदानों का वियुक्तिकरण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक सूचक की स्थिति प्रदान की गई है? बनारसी जरी और साड़ियों, राजस्थान दाल बाटी चूरमा, तीसरा तिरुपति लड्डू। नीचे दिए कूट का पेपर सही उत्तर चुनना है। तो 99 में सी होगा, 1 और 3, बनारसी जरी और साड़ियों, तिरुपति लड्डू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। दूसरा, यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 100 में होगा 1, 2 दोनों सही। ठीक है, सी है।
चलिए, तो ये था हमारा 2015 का आईएएस का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। बात करेंगे आगे हम लोग 16 आईएएस का, 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। ठीक है।